हेलो फ्रेंड्स, अगर आप फेसबुक मार्केट प्लेस पर IMO या किसी और चीज़ का ऐड डालना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। नमस्कार, मैं हूं राकेश प्रजापति और आप देख रहे हैं टेक्निकल राकेश। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले फेसबुक को ओपन कर लेना है। दोस्तों मैं इसको 3 और 4 पार्ट में बताने वाला हूं। सबसे पहले बाय एंड सेल ग्रुप कैसे ज्वाइन करते हैं पहला, और दूसरा ये होगा कि मार्केट प्लेस में ऐड कैसे डालते हैं, और तीसरा उन्हें रिप्लाई कैसे दिया जाता। चलिए तो पहले पार्ट में जानेंगे बाय एंड सेल ग्रुप को कैसे ज्वाइन करते हैं। ऊपर 3 लाइन दिख रहा होगा राइट साइड में, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ग्रुप्स में जाना है। देखिए लाल निशान से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ग्रुप्स में जाना है। ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ऊपर दूसरे नंबर पर डिस्कवर आ रहा है, यहाँ पर जाना है। नीचे आएंगे आपको कैटेगरी मिलेगा, कैटेगरी पर सी ऑल पे जाना है। देखिए कैटेगरीज मिल गई, यहाँ पर सी ऑल पर जाना है। यहाँ पर हर ग्रुप की आपको कैटेगरी मिल जाएगी। सी ऑल पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देखिए यहाँ पर हर तरह के आपको ग्रुप मिल जाएंगे। यहाँ पर बाय एंड सेल ग्रुप का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना और इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको बाय एंड सेल के बहुत सारे ग्रुप मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट तरीका है। देखिए इतने सारे ग्रुप मिल गए जिसमें ज़्यादा हैं, जैसे 283 के, तो मैं इसको ज्वाइन करूँगा। तो ऐसे ऐसे आपको कम से कम 30 ग्रुपों में ज्वाइन का रिक्वेस्ट डाल देना है। किसी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए देखिए ऐसे एक कुछ आंसर देने पड़ते हैं, नॉर्मल से योर नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, 3 वाले ज्वाइन करने। और किसी में आप ज्वाइन पर क्लिक करते ही डायरेक्ट रिक्वेस्ट चली जाती है, थोड़ी देर बाद ग्रुप एडमिन इसको अप्रूवल दे देगा। तो ऐसे कम से कम आप 30 ग्रुपों में कर लीजिए ताकि 20 ग्रुप आपके पास हो जाए। तो ये तो हो गया आपका पहला पार्ट। अब दूसरा, ऐड कैसे डालना है। देखिए वहीं पर ऊपर आपको मिल जाएगा मार्केट प्लेस, ग्रुप के ऊपर मार्केट प्लेस। तो मार्केट प्लेस पर जाना है, वहाँ पर ऊपर देखिए सेल पर क्लिक करना है, और सेल पर जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। वहाँ से आपको देखिए एक इमेज उठाना है, टाइटल, प्राइस, कैटेगरी और कंडीशन, और छठा डालना है आपको लोकेशन। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं भरना है। ये सारा चीज़ें देख लीजिए मैंने क्या क्या भरा है। ऊपर टाइटल में कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने पार्ट टाइम जॉब लिखा है, और लोकेशन में मैंने खटीमा। फिर नेक्स्ट कर देना है। ये इमेज आप अपलाइन से ले सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको कम से कम 20 ग्रुपों को सिलेक्ट करना है। आप अधिकतम 20 ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं 20 ग्रुप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए नीचे 20 हो गया, और उसके बाद मैं पब्लिश पर क्लिक कर दूंगा। देखिए यहाँ पर पब्लिशिंग हो गया, थोड़े दिन इन रिव्यू में रहेगा, उसके बाद ये पब्लिश हो जाएगा। तो चलिए ये तो आ गया, दूसरा पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब देखिए बाकी जो मैंने ऐड डाला है उसको हम कहाँ देख सकते हैं। नीचे जाने पर देखिए ये 3 मेरे पहले से पब्लिश हैं और 4th मैंने डाला है। जिस ग्रुप से ट्रैफिक आना बंद हो जाएगा उस लिस्ट को आपको डिलीट कर देना है। देखिए तो मैं नीचे वाले को डिलीट करके दिखाता हूँ। डिलीट लिस्टिंग, इसको डिलीट कर देना है। जितना भी ऐड डालेंगे किसी का भी इमेज और लोकेशन सेम नहीं होना चाहिए, तो इसका ध्यान रखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे ये डिलीट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे तीसरे पार्ट की कि रिप्लाई कैसे दें। तो चलिए अब हम आ जाते हैं सीधे मैसेंजर पर। मैसेंजर पर आने के बाद यहाँ पे जितने भी रिप्लाई आएंगे वो मार्केट प्लेस मैसेज के अंदर आएंगे। देखिए यहाँ पे मार्केट प्लेस है, इसके अंदर जाने पर देखिए सबके मैसेज यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो उनके मैसेज आने पे आप कुछ ऐसा रिप्लाई देंगे, इस मैसेज को आप अपलाइन से ले सकते हैं। ये सभी आपको उसके बाद व्हाट्सअप पर मैसेज करेंगे। तो चलिए मैं व्हाट्सअप पर आ जाता हूँ। देखिए इन्होंने मुझे मैसेज किया था, तो मैंने इन्हें अपना ये प्लान भेज दिया है। तो 3 मैसेज हैं, इमेज है, वीडियो है, और लास्ट में आपको 4 घंटे बाद एक मैसेज दे देना है, आर यू इंटरेस्टेड। अगर सवाल है तो जवाब दीजिए, नहीं बोल दिया तो कोई बात नहीं। अगर यस बोलते हैं तो आपको ज्वाइनिंग का मैसेज भेजना है। देखिए ये है ज्वाइन होने के लिए, रेफर कोड डालें, लिंक पर क्लिक करें और नीचे ग्रुप का लिंक देखें। तो ये तो हो गया पूरा इसका प्रोसेस। अब बात करते हैं अगर मार्केट प्लेस बंद हो जाता है सेम मैसेज देने पे, या बार बार ऐड डालने पे कभी कभार बंद हो जाता है, तो वो इजीली ओपन भी हो जाता है। देखिए ऐसा एरर अगर आता है, एरर पर क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट रिव्यू पर जाएंगे, वहाँ पर अपील फाइल करेंगे। देखिए चलिए मैं करके दिखाता हूँ। ये 7 दिन के अंदर अंदर फिर ओपन भी हो जाता है, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। ऐसा ऑप्शन आएगा, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करें या फिर नीचे जाएं, सी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और रिक्वेस्ट रिव्यू पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक अपना मैसेज लिख देंगे, रिक्वेस्ट रिव्यू ऑफ दिस आइटम। यहाँ पर मैं बस इतना लिख दूंगा, प्लीज़ सॉर्ट आउट माय प्रॉब्लम। आप कुछ और भी लिख सकते हैं। मैंने छोटे वीडियो में ज़्यादा समझाने का प्रयास किया, फिर भी कहीं प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी को इन जानकारियों का पता लग सके। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।